अच्छा, सब बढ़िया। यदि सब बढ़िया तो हम कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जो कुछ इस प्रकार से कि 2.2 पर के सेकंड चैप्टर चल रहा है। 2.2 का भी सेकंड क्वेश्चन है, सब 2 है, 2 चैप्टर 2 2.2 सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन का नाम है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट दिए हुए हैं। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/4 और लिखा हुआ -1, तो हमें दरअसल क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है कितनी 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी है -1। क्या ये समझ में आता है? हाँ बहुत अच्छा भाई, अल्फा प्लस बीटा फॉर अपर को लिख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा -1 लिख लीजिए। चलिए इसे कंपेयर करते हैं। पहले तो हमें देखना है कि इन दोनों के नीचे की जो डिनोमिनेटर वो सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा डिनोमिनेटर। क्या नीचे, इसके नीचे 1 लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाई बाय 4/4 क्यों कर रहा हूं, ताकि एलसीएम सेम आ जाए। इसके नीचे 1/4 है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, -1 × 4/4 तो -4 आ जाएगा 4। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो चलिए ये आ गया c/a, है ना, पहले तो इसे लिख लेते हैं c/a। अब ध्यान देंगे आप तो माइनस बी की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस, पहले तो a मिला है, a दोनों में 4 आ गया, दोनों के नीचे 4 है, तो a की वैल्यू अपने पास आ गई 4। फिर b की वैल्यू निकालनी है, चलिए माइनस बी और 1 लिखा है, माइनस बी यदि 1 के इक्वल में तो b स्क्वायर कितना है, माइनस, वहां पर -1 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये आपसे बन गया है, तो b स्क्वायर तो आ गया -1। अब आते हैं सी पर, सी की वैल्यू कितनी, सी सी मिला है, सी यहाँ पर -4 है, तो ये आ गया c = -4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नॉर्मली किस फॉर्म में होती है, ax2 + bx + c, ठीक है, इक्वल में 0, इस प्रकार से होती है। a की वैल्यू 4 है तो ये हो गया 4x2, b की वैल्यू -1 तो -1 × x, दैट आई लिख सकता हूं, c की वैल्यू -4 तो -4 = 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये बन गई, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। चलिए सेकंड वाले पर आता हूं, सेकंड में जो हमने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ √2 लिखा, 1/3 लिखा हुआ है, √2 लिखा है, 1/3 लिखा है। चलिए ठीक इसे करते हैं, हमें क्या दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया, कितना दिया है भाई √2, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया भाई 1/3। पहले तो मैं चाहता हूँ नीचे का डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, नीचे वाली जहां जैसे यहां पर थी वहां भी किया जाए। क्या करना होगा, पहले तो इसको सपोर्ट देने के लिए अपन 1 लिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटू में दोनों ऊपर नीचे क्या करना होगा हमें 3, तो ये हो जाएगा √2 √2 / 3, तो दोनों के नीचे में क्या आ गया 3 आ गया। चलिए ठीक है, दोनों के नीचे 3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -3/a के बराबर में होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a, तो ये आ गया c/a। पहले तो अपन a मिलाते हैं, नीचे वाला, नीचे a लिखा, ये लिखा हुआ 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3, इसी प्रकार से यहां से भी a की वैल्यू 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए b की वैल्यू निकालते हैं, -p = क्या है 3√2, तो b = कितना हो जाएगा -3√2। इसी प्रकार से यदि c की वैल्यू निकाले तो कंपेयर करो इसमें और इसमें, तो c की जगह पर 1 लिखा हो तो c की वैल्यू भी 1। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax2 + bx + c, तो ax2 + bx + c = 0, हम वैल्यू पुट करते थे एक ये 3, तो 3x2 - √2 × x + 1 = 0। तो पहले दो क्वेश्चन है, जब पहले दो क्वेश्चन जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिया होगा, वीडियो को पॉज करके चलिए सेकंड के थर्ड वाले क्वेश्चन पर आएंगे, फिर फोर्थ क्वेश्चन पर आएंगे, और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चन नहीं, आप समझेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्ड वाले पर आते हैं, सेकंड का थर्ड है 0 और √5, 0, √5। ध्यान देंगे 0, √5 कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अब तक तो ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान भी क्या आ गया भाई 0, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया भाई √5/3, कुछ नहीं, दोनों के नीचे मुझे कुछ तो चाहिए था, इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1 लिख दो, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है, -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a। चलिए फिर वैल्यू कंपेयर करते हैं, पहले a कंपेयर करो भाई, a की इक्वल 1 आ गया, b कंपेयर करो भाई, -b = 0, तो b = 0 हो जाएगा। चलो c कंपेयर करो भाई, √5 आ गया। चलिए कोई इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ax2 + bx + c = 0 में, हाँ ये तो होता है। चलिए a की वैल्यू है 1x2, मतलब डायरेक्ट x2 लिख सकता हूँ, b की वैल्यू 0 है तो 0 × x लिख सकता हूँ, और प्लस में c है तो प्लस में कितना हो गया √5 = 0, प्लस में 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x2 + √5 = 0, तो राइट आंसर अपने पास ये वाला आ चुका है। चलिए थर्ड वाला की आवाज आते फोर्थ वाले पर, समझेंगे समझना आसान है,
फोर्थ वाला है वन वन, फोर्थ वाला है वन वन। अरे ये तो आसान सा है क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया वन, अपॉन में वन लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा भाई वन, अपॉन में वन लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो भाई कमेंट सेक्शन, आपके लिए तो बनाएंगे। किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। चलिए मिला लेते हैं कंपेयर करते हैं, बहुत ही अच्छी बात। ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का मिला लो भाई वन आ रहा है क्या, हाँ वन आ रहा है। चलो बी मिला लो भाई, बी क्या आ रहा है माइनस बी है वन, तो बी कितना आ जाएगा माइनस वन। चलो सी मिला लो भाई आ गया वन, सी आ गया वन, सी आ गया वन, तो ये भी आसान हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वैल्यू बढ़ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। चलिए ए की वैल्यू कितनी है वन, तो एक्स स्क्वायर लिखो, बी की वैल्यू माइनस है तो माइनस का एक्स लिखो, प्लस में वन है इक्वल में जीरो। क्या ये वाला क्वेश्चन बन जाएगी आपसे, हाँ बन जाएगा भाई। जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन को नोट कर डाउन कर लीजिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे दो क्वेश्चन और है हमारे पास, दो क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज किया, हाँ कर लिया अभी तक, नोट डाउन कर लिया। चलिए सेकंड के थर्ड कर लिया, मैं आ जाता हूँ फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। चलिए सेकंड के फोर्थ वाले क्वेश्चन, अरे फोर्थ भी हो गया यहाँ पर, चलिए आ जाएंगे फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। सेकंड का आ गया अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए, माइनस वन अपॉन फोर और ये लिखा है वन अपॉन फोर इस प्रकार से। चलिए फिर सॉल्व करते हैं, ये क्या है एक्स प्लस वाई सॉरी अल्फा प्लस बीटा, आपको याद होगा अभी तक तो रट गया होगा ना, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखना है माइनस वन अपॉन फोर, अभी तक और रट गया होगा अल्फा इंटू बीटा क्या लिखना है वन अपॉन फोर। क्या दोनों के नीचे फोर फोर है, हाँ। क्या मुझे सॉल्व करने के लिए होता है, बिल्कुल नहीं, इसे लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है सी अपॉन ए। क्या आपको ए मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, दोनों के नीचे फोर है तो ए इक्वल टू आ गया फोर। क्या आपको बी मिल रहा है माइनस बी माइनस वन, तो माइनस से माइनस हटा दो भाई, बी की इक्वल टू वन आ गया। क्या सी मिल रहा है, हाँ ये सी है ये वन है, तो सी इज इक्वल टू आ गया वन। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, वैल्यू पुट करो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास फोर, तो हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी की वैल्यू भी वन है तो डायरेक्ट लिख दूंगा एक्स प्लस में आ गया वन इक्वल जीरो। क्या ये बन जाएगा, हाँ ये बन गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ के बाद आ जाता है सिक्स्थ क्वेश्चन फोर कॉमा वन। आसान से क्वेश्चन है, आते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर फोर कॉमा वन। हम ध्यान देंगे अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है हमारे पास फोर, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ हमारे पास वन। क्या आप जान रहे हैं मैं क्या करने वाला हूँ, आप जान रहे हैं क्या करने वाला हूँ, फोर के अपॉन में वन लिख दूंगा, वन के अपॉन में वन लिख दूंगा, तो फोर के अपॉन में भी वन आ गया, वन के अपॉन में भी वन आ गया है, हाँ आ गया है भाई। चलिए कंपेयर करते हैं माइनस बी अपॉन ए से, इससे भी कंपेयर करते हैं सी अपॉन ए से। माइनस बी से यदि सबसे पहले ए क्या है, ए आ गया वन, बी क्या है माइनस बी यदि फोर है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का फोर, आपको तो आ गया भाई समझ में। सी क्या है, सी से कंपेयर करो वन, फॉर्मूला होता है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जल्दी से जमाते हैं ए की वैल्यू वन, तो ये हो गया वन एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है माइनस फोर तो माइनस फोर एक्स हो गया, और प्लस में आ गया सी तो वन आ गया इक्वल में जीरो। तो इस प्रकार से हमने सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले मानी है, चैप्टर टू में 2.2 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन अभी तक के लिए इतना है, नेक्स्ट वीडियो में अगले एक सच पर आते हैं, तब तक इसे नोट डाउन कर लें, इसे नोट डाउन कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद।